24 चौके और 4 छक्के, ऐसा लग रहा था T20 मैच चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब उसने सेंचुरी किया तो 90 बॉल्स खेले था, 90 बॉल्स मतलब टेस्ट में तेज सेंचुरी में शुमार हो सकती है। जिस तरह की उसकी कल की इनिंग्स थी, पहले विकेट्स का गिरना और उसके बाद जिस तरह उसने टीम को स्टैंड दिया, 140 प्लस रन्स किए हैं, और मेरे ख्याल में इंडिया को एक मजबूत पोजीशन में ले गया, और एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि इस प्रेशर कंडीशन में वो अपनी टीम को जब बाहर निकाल के ले गया। जडेजा और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में क्या कहेंगे? नाइस पार्टनरशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी उन दोनों की, क्योंकि उनमें से अगर कोई भी आउट हो जाता तो फिर टेल एंड शुरू हो जानी थी और उसके बाद विकेट गिरते रहने थे, मुसलसल एक एंड से विकेट गिरते रहने थे। क्या लगता है ये सीरीज कौन जीतने वाला है? इंडिया जीत जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं इंडिया को एक तो पसंद भी करता हूँ और उनकी बैटिंग और उनका एक माइंड सेट होता है कि हमने ये विन करना है, उस हिसाब से मुझे, ऊपर से विराट कोहली की वजह से। विराट कोहली तो खैर कल आया और फिर चला गया। नहीं मगर उसकी बैटिंग उसका साथ दे रही है, वो इंशाल्लाह कमबैक करेगा, हमारी भी दुआएं उसके साथ हैं। नमस्ते, सस्रियाकाल, मैं हूं सनामजद। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th Test Day 1 की अगर हम बात करें तो ये दिन ऋषभ पंत के नाम लिख दिया गया है। ऋषभ पंत की इनिंग काबिले तारीफ थी, ये टोटली वन मैन शो देखा गया। अगर हम बात करें ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत ने जहां गाबा में तारीख रकम की, वही क्रिकेट की 120 साल तारीख में सबसे तेज सेंचुरी करने वाले बल्लेबाज बन गए। 24 साल इस लड़के के सामने बड़े बड़े बॉलर्स भी टिक ना पाए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऋषभ पंत के हवाले से पाकिस्तान के क्रिकेट लवर से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानियाल अहमद। दानियाल, आपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5th Test Day 1 देखा, क्या कहेंगे? जी देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग लेवल की क्रिकेट हुई है। कि पहले सेशंस में लग रहा था जैसे कि इंग्लैंड ने मतलब डोमिनेट किए, बहुत ज़्यादा 6 आउट कर दिए थे ऊपर से जल्दी, लेकिन जडेजा और ऋषभ पंत ने जिस तरह मतलब कमबैक किया है, टीम को एक बिल्कुल निचले लेवल से ऊपर लेवल तक ले गए हैं, मतलब पूरे दिन का जो पासा पलट दिया और मैच चेंजिंग इनिंग्स है दोनों की। ऋषभ पंत के बारे में क्या कहेंगे? ऋषभ पंत के बारे में कहा जाता था कि ये एक फजूल प्लेयर है और ऋषभ पंत ने सेंचुरी की है। बिल्कुल, देखा जाए तो एक प्लेयर की कॉन्फिडेंस की बात होती है, वो जब भी खेला है कॉन्फिडेंस के साथ खेला। अब देखें जब भी मतलब कीपर है, विकेट कीपर एक उस टाइम आता है जब टीम या नीचे लगी होती है, बिल्कुल वन साइडेड मैच हो रहा होता है, इसका बैटिंग ऑर्डर ऐसा होता है, तो अब जब भी वो आया मुश्किल टीम मुश्किल में हुई है, और लेकिन वो जब भी आया उसने ऐसा खेला है कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे विकेट मुश्किल हो चाहे आसान हो, इस तरह लगता है कि विकेट पे कुछ भी नहीं हो रहा। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट था, एंडरसन बॉलिंग कर रहा था, पीक पे तो नहीं कह सकते आप अपनी, लेकिन वो फिर भी उस तरह की बॉलिंग कर रहा था कि खेला नहीं जा रहा था ईजिली, लेकिन उसने आते साथ ऐसा अटैक किया कि एंडरसन को कुछ समझा ही नहीं, हर बॉलर को मतलब उसने हर जगह मारा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड में कहते हैं कि स्विंग होता है सीम होता है, कोई कुछ नहीं नजर आ, उसकी बार कुछ भी नहीं लग रहा था, दूसरी की बार ऐसा लग रहा था कि विकेट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये फ़र्क नज़र आया कि एक स्टैंडर्ड में फ़र्क नज़र आया दूसरे प्लेयर उसके, हालांकि सब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टॉप लेवल की टीम है, लेकिन प्लेयर की कैटेगरी में भी फ़र्क नज़र आया। 24 चौके और 4 छक्के, ऐसा लग रहा था T20 मैच चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब उसने सेंचुरी किया तो 90 बॉल्स खेले था, 90 बॉल्स मतलब टेस्ट में तेज सेंचुरी में शुमार हो सकती है, ठीक है। अब जैसे पिछले सीरीज में बेस्ट रो खेला है, तेज़ खेला है, डोमिनेट की, अगली टीम को डोमिनेट करेंगे आप, तब जाके आपकी टीम जीती। अगर आप अब जिस तरह 6 आउट हो गए थे, अगर ये भी सरवाइव करने जाते तो शायद ये भी आउट हो जाते। ऋषभ पंत और जडेजा की पार्टनरशिप के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा खेले हैं दोनों, इनकी पार्टनरशिप कैसी लगी आपको? मैच चेंजिंग पार्टनरशिप थी, देखें सीरीज़ 2-2 यानी कि बराबर चल रही है। अब ये जो पार्टनरशिप है ये सीरीज़ को जितवा सकती है इंडिया को। अब इन्होंने इतना स्कोर कर दिया कि इनके बॉलर अटैक कर सकते हैं, ठीक है, अगर जल्दी आउट करते हैं तो इनको सेकंड इनिंग में बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 400 से ज़्यादा स्कोर कर दिए। अब यही है कि इनके बॉलर आउट करें जल्दी से जल्दी और लीड ले इस पहली इनिंग्स में, ताकि अगली इनिंग में इनको मुश्किल ना हो। अच्छा, ऋषभ पंत के हवाले से क्या कहेंगे, 24 साल का एक लड़का, उसने इतना अच्छा खेला है कि बड़े बड़े बल्लेबाज उसके सामने टिक नहीं पाए। देखें अब 24 साल की एक एज होती है, इसमें बंदा मतलब एग्रेशन में होता है, ठीक है, एग्रेशन दिखाता है। अब जिस तरह देखा जाए कि उसने पहला गेंद जब खेला तो पता चल गया था कि मतलब अटैक करने आए। अब अटैकिंग माइंड से खेलेंगे आप तो अगले बॉलर को आप मात तभी दे सकते हैं जब आप अटैकिंग माइंड से खेलेंगे। अगर आप सर्वाइव करेंगे तो जिस तरह की वो मतलब कंडीशन, आप ज़्यादा लंबा नहीं जा सकते। अब जो बाकी बैट्समैन, उसमें यही फ़र्क था कि इन्होंने अटैक किया
और वो सर्वाइव करने गया और लंबा खेलने गया, ये लंबा भी खेलने गया लेकिन अटैक भी गया साथ, जो शॉट मिले हैं उसको, जो बॉल मिले हैं उस पर मतलब इसने रन किए। और देखा जाए जिस तरह पहले इस सीरीज़ में यानी कि फ्लॉप जा रहा था, जैसे इसकी लास्ट सीरीज थी श्रीलंका और उसकी इंडिया की, इंडिया में उसमें बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब देखा जाए उसने कैसा कमबैक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज़ में लास्ट टेस्ट में इसने शो किया था और अपनी टीम का मैच जितवाया था, तो मतलब मैच चेंजिंग इनिंग्स खेली इसने इस बार भी। विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे, बड़ी बुरी तरह वापस गए हैं ग्राउंड से। विराट कोहली देखा जाए तो जैसे वो खेल रहा था कॉन्फिडेंस में नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी बात होती है प्लेयर को कॉन्फिडेंस, किसी भी प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस दे दो आप कहीं से कहीं उसको खड़ा कर देते। अब यही वो कोहली है जो इंग्लैंड में हर बारी स्कोर कर रहा था। देखा जाए पहले सीरीज जब होती थी कोहली कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जब कोहली अपने पीक पे था तब वो कहीं भी स्कोर कर रहा था, तब कोहली कोहली था। प्लेयर पर ये टाइम आता है, ये मतलब नहीं कहा जा सकता कि कोहली प्लेयर नहीं, कोहली अभी भी उसी क्लास का प्लेयर है। क्या लगता है ये सीरीज कौन जीतेगा? अभी देखा जाए पहली बैटिंग इन्होंने की है, यहाँ से तो मतलब लग रहा है कि टीम अब अटैक करेगी, लाजमी बात है। जो पहली इनिंग में 400 का स्कोर प्लस स्कोर हो जाए तो लाजमी बात है टीम अटैक करेगी, आउट करे। देखा जाएगा अगर ये बॉलिंग पे है, अगर ये बॉलिंग अच्छी कर जाते इस इनिंग में तो इनका ये मैच टेस्ट मैच ही जीतेगा। क्या नाम है आपका? वहाब डार है जी। सर ऋषभ पंत ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है फिफ्थ टेस्ट डे वन में, क्या कहेंगे ऋषभ पंत के हवाले से? सारा साल उसे बातें करते हैं कि एक फजूल प्लेयर है, ये बड़ा तेज खेलता है, लेकिन उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म तो होता है इंडिया में और पाकिस्तान में, स्पेशली जो क्रिटिसिज्म है ना ये ज़रूरत से ज़्यादा होता है एशिया में, ठीक है जी। मेरे ख्याल में उसने हर जगह प्रूव किया और वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में स्कोर करता आ रहा, तो जिस तरह की उसकी कल की इनिंग्स थी, पहले विकेट्स का गिरना और उसके बाद जिस तरह उसने टीम को स्टैंड दिया है, 140 प्लस रन्स किए हैं, और मेरे ख्याल में इंडिया को एक मजबूत पोजीशन में ले गया और एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि इस प्रेशर कंडीशन में वो अपनी टीम को जब बाहर निकाल के ले गया तो क्रिटिसिज्म तो होता रहता है। उसने सबके मुंह बंद कर दिए कल वैसे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आप टेस्ट मैच उसकी बैटिंग देखें तो वो एक टाइम पर लग रहा था वो T20 का मैच कन्वर्ट हो गया, तो वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ गया था और इंडिया अभी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ गया टेस्ट मैच की उसकी वजह से। सर ये कहते हैं कि ऋषभ पंत जो है वो टेस्ट में बेहतर खेलता है जबकि T20 और वनडे का ऋषभ पंत प्लेयर नहीं है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं जी, एक्चुअली जब वो आया था तो लोग उसे यही कहते थे कि वो T20 फॉर्मेट का और वनडे का प्लेयर है, वाइट बॉल जो है वो उसका प्लेयर है, तो ये एक फेज़ है, ये फेज़ क्रिकेटर पर आता है, कभी उससे परफॉर्मेंस हो पाती है एक फॉर्मेट में, कभी नहीं हो पाती। मेरे ख्याल में MS धोनी के बाद जो है वो बैकबोन है टीम इंडिया की ऋषभ पंत, बहुत ज़बरदस्त उसकी इनिंग्स थी, मेरे ख्याल में उसने दुनिया को हैरान किया और यही वो इनिंग्स हैं जिससे पता चलता है कि किस टीम में एक बड़े प्लेयर्स जो हैं उनका जो बैकअप है वो अभी ज़िंदा है। और इस टीम में अगर आप देखें टीम इंडिया में चेंजेस हुई हैं और स्पेशली मेरे ख्याल में विराट कोहली जब एक उसके ऊपर बुरा स्पेल चल रहा है और टीम इंडिया की वो भी बैकबोन है, इन आउट्स चल रहे हैं टीम इंडिया के अंदर, और फिर टीम के ऊपर इस तरह का फेज़ आना और एक बैट्समैन उसको टोटली पलट दे एक इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स से, तो फिर उसका कैलिबर खुद शो होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? हसन बिलाल। हसन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट डे वन, क्या कहेंगे, मैच देखा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ऋषभ पंत की बैटिंग देख के, क्योंकि उसने 146 की इनिंग खेली है, वो भी एज पे आउट हुआ, मगर उसकी 150 हो जानी थी अगर थोड़ा और आराम से खेलता तो। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? हम लोग कहते थे, मतलब पूरा इंडिया और लोग उसे बातें करते थे कि ये एक फजूल प्लेयर है, ये बड़ा तेज खेलता है, पूरा साल हम उसको बातें करते थे और उसने सेंचुरी कर ली है कल। मेरा ख्याल है कि जिस तरह टीम प्रेशर में थी, जिस तरह आउट हो रहे थे बहुत जल्दी से, अगर वो ना होता ना उस प्रेशर से निकालने के लिए, मेरा नहीं ख्याल था कि कोई और प्लेयर वैसा स्टे कर सकता जिसने उसने खेला। उसने एक नॉकआउट इनिंग खेली है और मेरा ख्याल है कि कमाल ब्रिलियंट खेला। जडेजा और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप कैसी लगी? बहुत अलग, एक प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, इस वक्त दूसरे प्लेयर ने उसका साथ दी, जैसे जडेजा ने और ऋषभ पंत दोनों ने टीम इंडिया को एक अच्छे टारगेट तक लेके जा रहे हैं। जडेजा भी 83 पर पकड़ा नहीं जा रहा था, नहीं पकड़ा जा रहा था, और आज भी मेरा ख्याल है कि वो नो डाउट था जब मैं आया था, अभी पता नहीं, मेरा ख्याल है कि 100 इंशाल्लाह उसकी भी होगी। अच्छा, जब 98 पर 5 आउट हो गए तो क्या लगा था मैच में क्या होने वाला? मैच में यही था, क्योंकि जैसे कि मेन प्लेयर आउट हो गए थे शुभम गिल पुजारा और विहारी वगैरह और कोहली जैसे मेन प्लेयर है इंडिया का, और वो आउट हो गया तो हमें तो यही लग रहा था कि मैच एक तरफ से इंग्लैंड की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी आउट हो जाना एक टीम के लिए अच्छा नहीं। उसके बाद ऋषभ पंत ने और जडेजा ने उनको सहारा दिया तो उसकी वजह से टीम इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से कमबैक किया उन दोनों ने। 146 स्कोर किया है अकेले ऋषभ पंत ने, क्या कहेंगे? कहेंगे ये कि उसने कमाल इनिंग खेली है, जैसे आप बताइए कि उसने एक टीम को सहारा दिया, क्योंकि वो एक टीम की बैकबोन था एक तरफ से कल के मैच, कल के फर्स्ट डे में,
और उसके साथ मगर जितना जडेजा ने साथ दिया कोई और होता शायद वो भी ना दे पाता, क्योंकि दोनों ने मिल के टीम को एक सहारा दिया। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो ऋषभ पंत हैं वो टेस्ट बेहतरीन खेलते हैं लेकिन ये T20 और वनडे का प्लेयर नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने कल चौके और छक्के मारे हैं, एक वक्त आया था कैसा लग रहा था कि T20 मैच चल रहा है? जी, तो जिस तरह की वो इंडिया की शुरू की परफॉर्मेंस थी, मेरा ख्याल है कि उसको ऐसे ही खेलना चाहिए था प्रेशर में दूसरी टीम को लाने के लिए। अगर वो भी दूसरों की तरह आराम आराम से खेलता तो शायद टीम इंडिया प्रेशर से बाहर ना आती। क्या लगता है ये सीरीज कौन जीतने वाला? इंडिया जीत जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं? कि मैं इंडिया को एक तो पसंद भी करता हूँ और उनकी बैटिंग और उनका एक माइंडसेट होता है कि हमने ये विन करना है, उस हिसाब से मुझे ऊपर से विराट कोहली की वजह से। विराट कोहली तो खैर कल आया और फिर चला गया। नहीं, मगर उसकी बैड लक उसका साथ दे रही है, वो इंशाल्लाह कमबैक करेगा, हमारी भी दुआएं उसके साथ हैं। सबसे पहले तो मैं ऋषभ पंत की बारी के बारे में बात करना चाहूँगा कि उसने बहुत ही कमाल इनिंग्स खेली, उसी की इनिंग्स की वजह से इंडिया का स्कोर भी जिस तरह विकेट्स गिर रही थी ना शुरू में, उस तरह लग रहा था कि कोई भी उस विकेट पर नहीं टिक पाएगा, लेकिन ऋषभ पंत ने 146 की इनिंग्स खेली और बहुत ही अच्छा उसने इंडिया को प्रेशर से निकाला। कल वो इतना अच्छा खेले हैं जितने उन्होंने चौके छक्के मारे ना, 24 चौके और 4 छक्के, ऐसा लग रहा था T20 मैच चल रहा है। T20 के तो बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, T20 के टेस्ट खिलाना भी अच्छा था, लेकिन अब जो T20 के प्लेयर हैं वो अपनी इनिंग्स तो नहीं भूल सकते, तो जिस तरह वो सेट होते गए उस तरह वो अपनी बारी के अंदर T20 के जो शॉट्स थे उनको भी शामिल करते रहे। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो ऋषभ पंत है वो बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन कल उनका तेज खेलना ही काम आया। उनकी नेचुरल इनिंग्स ही तेज खेलना, क्योंकि वो T20 से ही आए हैं और बहुत आला इनिंग खेली है। मैं तो यही बार बार कहूँगा कि बहुत अच्छी इनिंग खेली है, तेज़ वो बहुत अच्छा खेलते हैं, स्टिल रोकते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त टीम को ज़रूरत उस तरह की हीटिंग की थी ताकि स्कोर ऊपर जाए और विकेट्स भी जो रहे हैं अपने हाथ में रहें, तो उस तरह की इनिंग उन्होंने अपनी टीम के मुताबिक खेली। जडेजा और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में क्या कहेंगे? नाइस पार्टनरशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी उन दोनों की, क्योंकि उनमें से अगर कोई भी आउट हो जाता तो फिर टेल एंड शुरू हो जानी थी और उसके बाद विकेट्स गिरते रहने थे, मुसलसल एक एंड से विकेट गिरते रहने थे, तो जो उसका साथ पार्टनर था उन्होंने भी बहुत ही अच्छा उनका साथ दिया और दोनों मैच को लेकर चले। कोहली के बारे में क्या कहेंगे? कोहली आए और वापस चले गए ग्राउंड से, काफ़ी देर से देख रहे हैं कि उनके IPL में भी जैसे उनके मैचेज में उनकी कोई फॉर्म नहीं लगी, सिर्फ एक चांस था मेरे ख्याल से उनका, तो बैड डेज आते हैं सब पे, इंशाल्लाह वो भी कमबैक करेंगे। जडेजा की अगर बात करें तो 83 पर वो पकड़े नहीं जा रहे थे, इतना अच्छा उन्होंने कल परफॉर्म किया। वो भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर बैट्समैन, वो बहुत अच्छे हैं अपनी बॉलिंग के साथ साथ, बॉलिंग बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं वो, तो बस टीम को ज़रूरत थी जिस तरह कोच ने उनको समझाया हुआ था या जो भी ब्रेक में था उसी तरह उन्होंने अपनी इनिंग खेली और टीम के साथ खेलते रहे और आगे लेके गए टीम के स्कोर को। क्या लगता है कौन जीतेगा ये सीरीज? अभी तो बाकी 4 दिन पड़े हैं, अभी देखते हैं कि क्या है, अभी कुछ भी 50-50 कह सकते हैं, चांस अभी किसी का भी हो सकता है। जी, तो आपने देखा और सुना कि ऋषभ पंत ने किस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स के दिल में भी घर कर लिया है। आपके ऋषभ पंत के बारे में क्या राय है, आपको उनकी इनिंग्स कैसी लगी, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।